दिल्ली में अरविंद केजरीवाल पर हमले हो रहे हैं। दिल्ली के लोग केजरीवाल को फूटी आंख नहीं देखना चाहते हैं। राजधानी की बर्बादी के लिए लोग केजरीवाल को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। दिल्ली में लोगों के घरों में पानी की जगह जहर निकल रहा है, गलियां खुदी पड़ी हैं, बरसात में पानी भर जाता है, नालियां सीवर बजबजा रहे हैं। केजरीवाल पहले एमसीडी को कोसकर इससे पल्ला झाड़ लेते थे, लेकिन अब एमसीडी में भी केजरीवाल ही है, तो फिर दिल्ली की बदहाली के लिए जिम्मेदार कौन है? ये सवाल दिल्ली के लोग केजरीवाल से पूछ रहे हैं, और इसलिए वो सड़कों पर निकल रहे हैं तो लोगों का गुस्सा फूट पड़ रहा है। दरअसल कल दिल्ली में ग्रेटर कैलाश में एक युवक ने केजरीवाल पर वही गंदा पानी फेंक दिया था, जिसके बाद आम आदमी पार्टी ने ये आरोप लगाए थे कि ये युवक बीजेपी का कार्यकर्ता है और बीजेपी ने कार्यकर्ताओं से स्प्रिंट फेंकवा कर केजरीवाल को जिंदा जलाने की कोशिश की। हालांकि आम आदमी पार्टी के इस आरोप को दिल्ली पुलिस ने ही खारिज कर दिया और आपके झूठ की पोल खोल दी। दिल्ली पुलिस ने आम आदमी पार्टी के दावे को ही पूरी तरह से पलट दिया है। पुलिस ने मामले की जांच के आधार पर कहा है कि दिल्ली के ग्रेटर कैलाश में केजरीवाल पर हुआ हमला किसी और ने नहीं बल्कि बस मार्शल ने किया है। इतना ही नहीं, केजरीवाल पर फेंका गया लिक्विड कुछ और नहीं बल्कि पानी था। पुलिस ने जांच के आधार पर बताया कि मालवीय नगर इलाके में आप नेताओं ने पदयात्रा का आयोजन किया था, लेकिन इसके लिए कोई अनुमति नहीं मांगी गई। यह पदयात्रा चौपाला सावित्री नगर से शुरू हुई और मेघना मोटर सावित्री नगर पर खत्म हुई। अरविंद केजरीवाल इस यात्रा के चीफ गेस्ट थे। भीड़ को काबू करने के लिए पुलिस बल की भी अच्छी तैनाती थी। पुलिस ने कहा, शाम 5:50 पर अरविंद केजरीवाल लोगों से हाथ मिला रहे थे। इसी दौरान अशोक झा नाम के शख्स ने उन पर पानी फेंकने की कोशिश, लेकिन क्योंकि वहां पुलिसकर्मी पहले से मौजूद थे, इसलिए आरोपी को तुरंत पकड़ लिया गया और हिरासत में ले लिया गया है। पुलिस ने बताया कि व्यक्ति खानपुर डिपो में बस मार्शल के पद पर कार्यरत है। उसने अरविंद केजरीवाल पर पानी क्यों फेंका, इस बात का पता लगाने के लिए आगे की जांच की जा रही है। दरअसल दिल्ली में बस मार्शल को लेकर विवाद चल रहा है। लगभग 10,000 मार्शलों को नौकरी से निकाल दिया गया है। दिल्ली सरकार और एलजी इसको लेकर एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप कर रहे हैं। कांग्रेस भी अब इस मामले पर सक्रिय हो गई है। दिल्ली कांग्रेस अध्यक्ष ने आरोप लगाया कि एलजी ने 10,000 बस मार्शलों को 1 नवंबर तक बहाल करने का आदेश दिया था, लेकिन दिल्ली सरकार ने अब तक इस आदेश का पालन नहीं किया है। वहीं सीएम आतिशी कह रही हैं कि फाइल एलजी ने रोक रखी है। देवेंद्र यादव ने कहा, पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के आदेश के बाद डीटीसी मार्शल्स को नौकरी से हटा दिया गया था, इसलिए मार्शल नाराज हैं। शायद हो सकता है इसलिए केजरीवाल पर गुस्से में इस मार्शल ने गंदा पानी फेंका। बहरहाल इस पूरी खबर में इतना ही। कॉमेंट कर अपनी राय देना ना भूले और देखते रहे न्यूज। धन्यवाद।